एक जाता है तो दूसरा आता है, मैं क्या करूं यार। सच्ची बता रही हूँ, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे हो। मैं भी आज बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। टाइम ऑलरेडी 7:30 बज चुका है, थोड़ा थोड़ा आज रोशनी दिख रही है बाहर, एंड अमित ऑलरेडी ऑफिस जा चुका है। बाहर ना थोड़ा सा अच्छा उजाला है, लोग साइकिलिंग पे निकल रहे बाहर, एंड एज यूजुअल कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। पिंपल जो है ना, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक जाता है तो दूसरा आता है, मैं क्या करूं। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि कोई है ही नहीं, और मुश्किल हो रखा है। चलते हैं अभी फटाफट फ्रेश होके आ जाते हैं, इतने जल्दी उठने का अभी कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे मैं थोड़ा सा लेट सो के उठती हूँ। मेरे साथ ना ये चीज है, मैं रात को जितनी देर हो सके उतनी देर तक जग सकती हूँ, बट सुबह नहीं उठ पाती मैं। और अर्ली बर्ड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे से नहीं होता है। सेम विद अमित, बोलते नहीं है वो क्या बोलते हैं, मेड फॉर ईच अदर टाइप। हम दोनों वैसे ही हैं, दोनों की आंखें नहीं खुलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अगर एक इंसान सुबह जल्दी उठ गया होता तो दूसरे को एटलीस्ट जगा सकता है। हम दोनों में से ऐसे है कि एक सोता है तो दूसरा भी कंबल ओढ़ के सो जाता है। खैर एनीवे, तो अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ। आपको ये बता देती हूँ कि मेरी ब्रेकफास्ट में होता क्या है एंड मैं बनाती कैसी हूँ, ठीक है। एवोकाडो तो हर किसी को पता होगा, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, ऑलरेडी दिखा भी चुकी हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में यही खाती हूँ। सो टुडे मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। इट्स वेरी इजी। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते गए मुझे ये याद आ गई कि अगर आप एवोकाडो खाते हो, एवोकाडो के सीड्स जो होते हैं आप इसको फेंको नहीं, ठीक है। यू कैन प्लांट दिस, अगर आपके पास अच्छा खासा बगीचा है, पीछे कोई गार्डन टाइप से, आप इसको प्लांट कर सकते हो। एंड यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे कि इसको प्लांट कैसे करते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर सीड जो आप सीधा इसको डाल दो तो हो जाएगा। इसके रूट निकलने में लगभग 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। सो इसको पहले पानी में डाल के इसको थोड़ा स्प्राउट करना पड़ता है। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्लांट एवोकाडोस। अगर आपके पास अच्छा खासा क्वालिटी के एवोकाडोस है, यू कैन रियली प्लांट इट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट। सो आप इसको डस्टबिन में मत फेंको, आप इसको गार्बेज में मत फेंको, प्लांट इट एट योर होम एंड डू ट्राई। नॉर्मली जब बनाती हूँ ना, सिर्फ इसमें एवोकाडो नहीं रहती है, इसमें मैं डालती हूँ चॉप्ड प्याज और थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा मैं नींबू गार देती हूँ उसमें, हल्का सा नमक। आप इतना मिक्स करके ना एक बार बना के ट्राई कर लो। दिस इज़ द बेस्ट हेल्दी ऑप्शन अगर आप ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ खाना चाहते हो। आप थोड़ा सा स्पाइस पसंद करते हो, थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन चिलीज वगैरह डाल सकते हो। एंड मैं इसमें कुछ मिला नहीं रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, मैं इसको रेगुलरली बनाती हूँ। चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी चॉप करके डाल सकते हो, मुझे यहाँ पे हमेशा अवेलेबल मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि रहने देते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, हमें अब लेना है स्लाइस ब्रेड, ठीक है। पहले हम डाल देंगे इसको टोस्टर में, अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो यू कैन डू इट ऑन तवा और कैसे भी चलेगा। इसके बाद मैं लेती हूँ गार्लिक बटर, आपके पास गार्लिक बटर नहीं अवेलेबल है, नॉर्मल बटर भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो, कुछ भी कर चलेगा, कुछ भी चलेगा, ऑप्शनल है। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहोगे यू कैन डू इट। मैं रेगुलर इसमें नहीं खाती हूँ, वंस इन अ वाइल मैं गार्लिक बटर यूज करती हूँ फॉर अ टेस्ट चेंज। पॉइंट पे हम डालते हैं अपना गार्लिक बटर, ठीक है, इसको डाल के इवनली स्प्रेड करना पड़ेगा।
अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं गुआकामोले जो हमने बनाया था ऑलरेडी। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने।